हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी यार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों सबसे मतलब बेस्ट ट्रिक लेके आया हूं आज 2022 की ट्रिक ही मान के चलो इसको। तो दोस्तों मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, अगर उस स्टेप को आप फॉलो करते हो फिर वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो ना तो आपका फेसबुक का अकाउंट है ना वो ओपन हो जाएगा, मतलब रिकवर हो जाएगा, आपका अकाउंट सही हो जाएगा बिल्कुल। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना तभी जाकर आपका जो भी प्रोसेस है वो होगा। और आपको मैं कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ यहाँ पर, अगर आप उन्हें उस स्टेप्स को फॉलो कर लिया और आपने जैसा मैंने बताया अगर वैसा आपने कर लिया ना डिक्टो तो आपको क्या करना है, सिंपल आपका अकाउंट अनलॉक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको वीडियो पूरा देखना होगा एंड तक तभी जाके समझ में आएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो वीडियो यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है कि अगर आपको मान लो कोई भी अगर ऑप्शन चेंज करना हो विदाउट आइडेंटिटी प्रूफ, अगर अपने अकाउंट को अनलॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल पर वीडियो है और ऑप्शन चेंज करने की बहुत सारी वीडियो है, बट आज की वीडियो है कुछ अलग होने वाली है। तो इसमें आप स्टेप फर्स्ट बताने वाला हूँ मैं आपको, कुछ स्टेप्स है जिनको आपको कंप्लीट करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेप है उसको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब आपका कोई भी अकाउंट है फेसबुक का जैसे लॉक हो चुका है, ज़्यादा दिन हो चुका है या फिर कुछ कम दिन टाइम हुआ है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ स्टेप्स बताऊँगा अलग अलग, दो तीन स्टेप अलग अलग उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है सबसे पहले आपके अकाउंट को आपको लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे भाई साहब, आपको लॉगिन करना है तो अब एक दिन जैसे आज आपने लॉगिन किया, अभी लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यदि आपके पास में कन्फर्म और आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा है, वीडियो को भाई एंड तक देखना, सही बता रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, बट वीडियो को आपको एंड तक ही देखना होगा। आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद ऑप्शन, सबसे पहले आपको ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास में कोई सा भी ऑप्शन आ रहा हो तो जैसे अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे कन्फर्म और आइडेंटिटी का ऑप्शन आया नहीं चाहिए, अगर आपको आपको अदर ऑप्शन चाहिए तो ठीक है उसके लिए बताऊंगा, या फिर गेट रिकॉर्ड होने और फोन का ऑप्शन चाहिए बट आपको वो ऑप्शन भी नहीं चाहिए, आपको कोई अदर ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए सब कुछ ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद अपने अकाउंट को ऑप्शन चेंज करना देखना है। अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है कोई भी जो काम हो जाता है तो सिंपल है अपने अकाउंट को अनलॉक कर लेना, अदर अगर आपको ऑप्शन नहीं चाहिए तो आपको अपने अकाउंट को फिर से लॉग आउट कर देना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 3 घंटे बाद, टाइम ध्यान रखना, 3 घंटे के बाद ही अपने अकाउंट को फिर से आपको लॉगिन करना है, पूरी बात सुनना, 3 घंटे बाद फिर से अपने अकाउंट को लॉगिन करना है और फिर से ऑप्शन देखना है, नहीं होता है तो फिर से 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे ऐसे करके आपको 24 आवर्स मतलब ऐसा ही करना है 24 घंटे। आपको रात में अगर आप मत सोचना कि भाई यार रात में तो यार मतलब रात में भी ये करना है हमको, मतलब सो जाते हैं जैसे 11 बजे सोते हैं 10 बजे सोते हैं उसके बाद भी रात में 2 बजे मतलब 5 बजे ऐसे करना है, रात में छोड़ देना, आपको सिंपल दिन में कर लेना है ये सब कुछ। उसके बाद अगर रात में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीटली समझ में आ चुकी होगी। और अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपको बता दूं क्या है, सेकंड स्टेप आपको ये है कि आपको जैसे मान लो आपने अपने अकाउंट को अभी लॉगिन किया, जस्ट अभी लॉगिन किया अगर आपने अपने अकाउंट को, तो उसके बाद में क्या करना है, सिंपल आपको अगले दिन वेट करना, अगले दिन मतलब कुछ नहीं करना, अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना है। जैसे आपने अभी लॉगिन कर लिया उसके बाद में ऑप्शन अगर आपके पास में नहीं आया तो आपको मतलब वेट करना है, मतलब वापस आपको अगले दिन मतलब इससे अगले दिन जो आएगा उसी दिन उसी डेट को उसी टाइम को मतलब सॉरी उसी डेट क्या वो अगली डेट को आपको उसी टाइम को फिर से लॉगिन करना है। ऐसे करके लगभग आपको मतलब 7 डे 7 दिन तक आपको ऐसे ही करना है, रोज़ मतलब अपनी आईडी को लॉगिन करना है, रोज़ 7 दिन तक ऐसे ही करना है तो आपका अकाउंट है मतलब 7 दिन के अंदर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, अकाउंट भी मतलब ओपन हो जाएगा, ठीक है। दो स्टेप मैंने बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब आप बात करते हैं थर्ड स्टेप की, तो सिंपल है, थर्ड स्टेप आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो थर्ड स्टेप भाई साहब ये है, आपको क्या करना है, आज अपनी आईडी को आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, वेट करना है आपको, मतलब अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आता है ना तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको 6 डे मतलब 6 दिन तक आपको वेट कर लेना है, 6 दिन आपको बिल्कुल वेट करना है, मतलब कुछ नहीं करना, अपनी आईडी को टच भी नहीं करना है, लॉगिन नहीं करना है और आईडी पासवर्ड किसी को नहीं देना, अदर डिवाइस में आपको लॉगिन करना ही नहीं है, मतलब 6 दिन तक आपको बिल्कुल भी, आज का दिन हो जाएगा, आज के अलावा 5 दिन और मतलब 6 दिन हो जाएंगे टोटल, और 7वें दिन जैसे आएगा तो आप 7वें दिन कभी भी कोई से भी टाइम अपनी आईडी को आप ओपन कर सकते हो, मतलब जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, 34 स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, सब कुछ आपको फॉलो करना है, जो बता रहा हूँ वैसा करके देख लेना आप, ठीक है। तो आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं और लास्ट स्टेप की बात तो कर ही लेते हैं,
और लास्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आज अपने अकाउंट को आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अगर ऑप्शन चेंज नहीं होता है तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको 14 दिन वेट करना है, एक दिन तो आपका ये हो जाएगा, इसके अलावा आपको 13 दिन और वेट करना है, कुल मिला के हो जाएंगे आपके 14 दिन, और 14 दिन आप जैसे वेट करोगे सिंपल आपको 15वें दिन अपनी आईडी को लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद ऑप्शन चेंज हो जाएगा, अगर नहीं होता तो 15वें दिन के बाद आपको कुछ 4-5 दिन और वेट करना है, 5 दिन वेट करने के बाद 6ठे दिन जैसे लॉगिन करोगे तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। मैंने आपको 4 स्टेप बताइए भाई, और 4 की 4 जो स्टेप्स है ना उनका आप कंप्लीटली अगर फॉलो करते हो तो आप जैसे भी आप जो स्टेप आपको अच्छी लगती है ना उस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हो भाई, 1st स्टेप 2nd 3rd 4th जो भी स्टेप आपको अच्छी लगती है कोई सी भी स्टेप आप अपना सकते हो, हमारा काम है भाई ट्रिक बताना, ट्रिक हमने बता दी है, अब उसके ऊपर आपके ऊपर आप उसको अप्लाई करते हो या नहीं करते, और जो भी सीन है मतलब आपका अकाउंट 100% अनलॉक हो जाएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके देना है और प्रॉब्लम बता देनी है कि भाई यार मेरे को ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, यार वीडियो को जरूर लाइक किया करो, वीडियो को जैसे आप लाइक कर दो ना तो मतलब थोड़ा कुछ ऐसा होता है जैसे मतलब वीडियो लाने का मन करता है, अच्छा वीडियो लाने का मन करता है, बेस्ट तरीके से मतलब लाने का मन करता है, ढूंढना पड़ता है तरीके यार वैसे भी, और मतलब क्या कहता हूँ आपको सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्री होता है, बिल्कुल लाइक बिल्कुल फ्री होता है, लाइक कर देना यार, कर दिया करो यार। और उसके अलावा अगर आपको Q&A वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आज है हाँ कल है संडे, और अगर आपको कोई भी मतलब एक क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो क्वेश्चन आप इसमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कल संडे है, कल आपको वीडियो मिल जाएगा Q&A का, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में।